लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर नई मुंबई में आस्था का नजारा देखने को मिला। कोरोना लॉकडाउन की पाबंदियों के बीच सानपाड़ा प्रभाग 76 में आयोजित दही हंडी उत्सव देखने लायक रही। आयोजक बीजेपी युवा नेता पांडुरंग आमले ने कहा कि विधायक मंदाताई महात्रे के मार्गदर्शन में यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यह उत्सव आयोजित किया गया था। यहां बच्चों और महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में राधा कृष्ण की मनमोहक झांकी निकाली और नाचते गाते हुए दही हंडी का उत्सव मनाया। देखिए रिपोर्ट। कोरोना लॉकडाउन की पाबंदियों के बीच नवीमुंबई में कई ठिकानों पर दही हंडी उत्सव मनाया गया। सानपाड़ा के प्रभाग 76 में बीजेपी युवा नेता पांडुरंग आमले के नेतृत्व में स्थानीय नागरिकों ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। इस दौरान रात भर भजन कीर्तन चला और बच्चों ने राधा कृष्ण की झांकी निकालकर नाचते गाते हुए भगवान कृष्ण के जन्म जयंती उत्सव में हिस्सा लिया। युवा नेता पांडुरंग आमले ने कहा कि विधायक मंदाताई मात्रे के मार्गदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करते हुए हमने बीजेपी जनसंपर्क कार्यालय में यह उत्सव मनाया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। कार्यक्रम आयोजित करण्याचा उद्दिष्ट आमचं हे एकच होतं, कुठेतरी आपली ही हिंदू संस्कृती आहे ही जिवंत राहिली पाहिजे। कोरोना असो किंवा अजून कुठलंही संकट आपल्या भारतावरती येऊ दे, परंतु ह्या संकटावरती मात करून आपण हिंदू संस्कृती जपण्यासाठी असे अनेक कार्यक्रम नक्कीच घेऊ। लहान मुलांपासून ते वयस्क लोकांपर्यंत आज 1 वाजेपर्यंत सर्वजण इथे मनापासून इथे हजर होते आणि लहान मुलांचा तो उत्साह तुम्ही पाहिला की 1 वाजता साधारण सर्व लहान मुले ही 9 ते 10 वाजता झोपलेले असतात, पण 1 वाजता तरी त्यांना तुम्ही बघितलं त्यांना झोपच लागत नव्हती आणि अक्षरशः ते वेडे होऊन नाचत होते। त्याचप्रमाणे आमचे वयोवृद्ध अशा महिला किंवा तरुण महिला यांचासुद्धा उत्साह तुम्ही पाहिला, त्यामुळं त्यांचे खरोखर मनापासून खूप खूप आभार। आणि तुम्हाला सर्वांना समजतच असेल की यांना कुठलेही पैसे देऊन कुठले आमिष देऊन आम्ही इथे बोलवलं नाही आहे, एवढ्या रात्री ते आलेले आहेत, ते त्यांच्या मनापासून आलेले आहे आणि त्यांचं आमच्यावर असलेलं हे प्रेम हे बघून त्यांचे आभार मानून मी त्यांचा सुटका करणार नाही आहे, तर त्यांचे प्रेम माझ्यावर असेच राहू दे आणि त्यांचे उपकार माझ्यावरही असेच राहू दे। वाही प्रभाग 76 के स्थानीय नागरिकों ने भी कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के पारंपरिक आयोजन के लिए युवा नेता पांडुरंग आमले की सराहना की। उन्होंने दही हंडी उत्सव को लेकर क्या कुछ कहा, वह भी सुन लीजिए। जो यहाँ पे आज आमले जी ने जो फंक्शन किया, इट वॉज सुपर्ब। मतलब इतना अच्छा लगा हमें, हमारी बचपन की सारी यादें रिवाइव हो गई। और यहाँ पे संगीत का कार्यक्रम, बच्चों की विविध वेशभूषा उसका कार्यक्रम, उसके बाद में दही हंडी, कृष्ण जी का जन्म, उनका पूजन, वो देख के इतना अच्छा लगा हमें। हम सारी वो चीज़ें जो बचपन में देखते थे, इस समय कोविड में मंदिर भी बंद है और इस तरह की सिचुएशन है, हम घर में सब लोगों के साथ में मिलके सेलिब्रेट करने का जो मौका मिलता है वो आज हमें यहाँ पे आमले जी की वजह से मिला है। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी,
बहुत अच्छा आयोजन किया था आमले जी ने और दिल से उनकी शुक्रगुजार। आमले साहबांनी चांगलाने वेळोवेळी चांगलेच कार्यक्रमाचं आयोजन करतात। कोरोनाचा काळ आहे, सर्व काही गोष्टी ठीक आहेत, पण इथं आंदोलनं पण होतात, बाकीच्या गोष्टी होतात, त्या पण कुठेतरी थांबल्या पाहिजेल। आता सर्व गोष्टी देवदेवतांवर निर्बंध लावले, हिंदू सणावरतीच जर निर्बंध लावत असेल तरी चुकीचं काम आहे। ह्याच्या पुढे पण हिंदू सणावरती काही निर्बंध लागले नाही पाहिजे। आमले साहेबांचं वेळोवेळी वेगळी नियोजन असते, वेगळी पद्धत असते आणि येणारा काळ हा लोक त्यांना समजून घेतील आणि निश्चितपणे निवडून येतील असं मला वाटते। जन्माष्टमीचं आयोजन एकदम स्तुत्य उपक्रम आहे, सर्वांनी खरं याच्यातून काहीतरी बोध घेऊन प्रत्येक वर्षी असा कार्यक्रम साजरा करावा असं मला वाटतं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।